नमस्कार, पहली बहस देख रहे हैं आप साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। अपनी धरती पर आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भारत ने एक और सबक सिखाया। किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन में भारत तमाम देशों के साथ हिस्सा तो लेगा लेकिन पाकिस्तान से बात नहीं करेगा। 8 देशों के इस संगठन में रूस, चीन, भारत जैसे ताकतवर देश हैं लेकिन पाकिस्तान की हरकतों की वजह से भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के बाद से भारत पाक में कोई आधिकारिक वार्ता नहीं हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग थलग करने से पाकिस्तान सुधर जाएगा? एससीओ में पाकिस्तान से बातचीत ना करना क्या उसके लिए बड़ा सबक है? क्या पाकिस्तान अपनी धरती पर पल रहे आतंकवाद पर लगाम लगाएगा? और इसी मुद्दे पर हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। हम आपका परिचय उनसे जरूर कराएंगे लेकिन उसके पहले विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आप देखिए। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी बायलैटरल मीटिंग बीइंग सेटअप और ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन बिश्केक ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये बायलैटरल मीटिंग हो। इलेक्शन के दौरान इमरान खान ने साफ तौर पर कहा कि वो चाहते हैं कि मोदी सरकार बड़े पैमाने पर जीते क्योंकि मजबूत सरकार के साथ ही हिंदुस्तान ऐसे फैसले कर सकता है जो मुश्किल फैसले हैं। इमरान खान की ख्वाहिश पूरी हुई, मोदी जी को अच्छा मैंडेट मिला लेकिन मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो बातचीत के लिए माहौल नहीं पैदा करता। और माहौल क्या है, हिंदुस्तान ने साफ तौर पर पाकिस्तान को बता दिया है। माहौल का मतलब है कि पाकिस्तान को टेररिज्म बंद करना होगा, हिंदुस्तान के खिलाफ जो हादसे करते हैं बंद करने होंगे, जो रोज सीज फायर वायलेशन होती है बंद होंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से हफीज सईद, लखवी, मसूद अजहर, दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान से बातचीत हो ये संभव है कि नहीं, सरकार को उस पर विचार करना होगा। जो अभी तक जो हालात रहे हैं और जिस तरह से सरकार ने अपने पक्ष को रखा है और चुनाव के समय रखा था उसमें उसके बाद ये आसान नहीं होगा कि सरकार पाकिस्तान से बैठे और बैठ के बातचीत करे। लेकिन साथ ही साथ जब भी मल्टीलैटरल किसी भी संस्था के सामने कोई भी देश जाता है तो वहां और जो देश होते हैं उनका प्रयास ये रहता है कि सबसे प्रयास करके और सबकी बातचीत कराएं ताकि जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। वातावरण भी अभी नहीं है और जब तक रिश्तों में गर्म जोशी ना हो और नॉर्मलाइजेशन ना हो तो हाउ डू यू डू करने से कोई फायदा नहीं। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं चर्चा को शुरू करूं और परिचय कराऊं तमाम मेहमानों का, उसके पहले आपको यह भी बता दें कि आज ही की यह घटना है, 4 आतंकी मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। तो आप जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए, बात कीजिए, बात ना कीजिए लेकिन ये जो आतंकवादी है घुसपैठिए जो घुस रहे हैं भारत में उनके ऊपर लगाम नहीं लगाने वाला है पाकिस्तान। मेहमानों का परिचय आपसे कराती हूं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश जी भी जुड़ रहे हैं, प्रमोद कुमार सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन रोहित चहल जी भी जुड़ गए हमारे साथ कार्यक्रम में। एक एक करके सबके पास में जाऊंगी लेकिन शुरुआत प्रमोद जी आपके साथ में यहां पर करती हूं। अभी हमने किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जो बातें कल कही गई हैं वो दर्शकों को सुनाया भी, शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया वो ये कहा गया कि मेरी जानकारी के अनुसार बातचीत नहीं होने वाली है, क्या माना जाए? हो भी सकती है, देखिए, या इमरान खान खुद ही आकर के गले पड़ जाए, फिर क्या किया जाए? देखिए, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार को अभी हम देख रहे थे वो एकदम राजनयिक भाषा में वही टिप्पणी ठीक रहती है, पॉलिटिकली करेक्ट है वो। इमरान खान बात करने को इच्छुक है प्रधानमंत्री से, मैं आपको बताऊं, आप ध्यान दें अगर कि दो चीजें पाकिस्तान में हुई। अभी पाकिस्तानी आर्मी ने अपना जो 1 ट्रिलियन का बजट पिछली बार उनका था, $1 ट्रिलियन का बजट हो गया तो उसको उन्होंने कहा कि हमने सब्सटेंशियल कट किया है। दूसरे जमात उद दावा के जो मुखिया हैं हाफिज मोहम्मद, हाफिज सईद,
उनको ईद के दिन पर जो कदाफी स्टेडियम लाहौर में हर साल उनका जो सालाना जो तकरीर होती थी नमाजियों के बीच में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, उसको पाकिस्तान ने अब की नहीं होने दिया। हाफिज सईद को कह दिया गया था कि अगर आपने इसको करने की कोशिश करी तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। ये दो चीजें हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान भारत से बात को इच्छुक है, पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है। लेकिन उसमें एक पेच है, प्रधानमंत्री से जब पिछले 26 मई को इमरान खान की बात हुई, इमरान खान ने उनको बधाई संदेश के लिए चुनाव जीतने के लिए जब फोन किया था, 45 सेकंड की बात थी जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने जब लोगों से बात करी थी उसमें शुरुआती दुआ सलाम के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे सीधे कह दिया कि जो आपके यहां आतंकवादी अड्डे हैं, जो गतिविधियां, जब तक उनको रोकेंगे नहीं तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। और अभी भी भारत उस पर कायम है। आज पुलवामा में जो मुठभेड़ हुई, 4 आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान के रमजान के महीने में हमने देखा के महीने में, और अभी आप देखें कि अब जो इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट है हमारे पास, हमारी जो खुफिया विभाग ने, एक्सटर्नल एजेंसीज ने, जो उनके जो कॉल्स जो आती हैं हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी आकाओं के पास, उनको जो इंटरसेप्ट है उससे लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने, ISI ने 17 लॉन्च पैड तैयार कर रखे, आतंकवादी को भेजना, अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। तो बातचीत और टेरर एक साथ नहीं हो सकती। पाकिस्तान को जो है, जो वॉक द टॉक जिसकी बात करते हैं, पहले उनको बताना पड़ेगा एकदम धरातल पे कि हमने ये कदम लिया, भारत में अब कोई आतंकवादी गतिविधि होगी। और ये उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि दोबारा शुरुआत है, सांकेतिक तौर पर हमने कह दिया कि दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं कि इमरान खान चाहते हैं हमसे बात करना, हम उनसे बात करने को तैयार नहीं है। रोहित चहल, आपके पास मैं आऊंगी। सिर्फ इमरान खान हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, भारत में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, उनके देश जाकर के शांति दूत उन्हें बताते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती ने पहले ही कह दिया कि बिना बातचीत के यह हल होने वाला मसला नहीं है। तो सिर्फ उधर ही नहीं, इधर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, बहुत से विभीषण हैं। तो वहां की जंग खत्म होगी या नहीं, भारत में एक नई जंग जरूर आपने छेड़ दी है ये कह करके कि पाकिस्तान से बातचीत नहीं। शालिनी जी, सवाल मुझसे है क्या? जी रोहित चहल, आपसे ही पूछा। जी शालिनी, देखिए भारत का हमेशा से ही मत रहा है कि जिस तरीके से टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, एक साथ अगर आप आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं कर सकते। भारत ने हमेशा प्रयास किया, सरकारें आती रही, हमने जब से मोदी जी की सरकार आई है हम लोगों ने प्रयास किया कि शांति बनी रहे। चाहे पिछली बार जब बहुत सेरेमनी थी तो सबको बुलाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी यहां पर आए, हमने गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। लगातार हम लोगों ने प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ क्योंकि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, हमने कोशिश की। बस देखा गया कि पीछे से हमेशा खंजर ही घोपा गया। चाहे हम लाहौर बस से वाले के गए तो हमें कारगिल मिला, जिस तरीके से उड़ी की घटना हुई, चाहे वो आतंकवादी हमला हुआ, चाहे वो आप देखिए पठानकोट में हुआ, तो हमारे हमेशा से खंजर को अपने आम पाकिस्तान ने किया है। लेकिन आज पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आ गई है, जिस तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम भारत की सरकार ने और मोदी सरकार की कूटनीति, जिस तरीके से पूरे विश्व के साथ एक संबंध बने हैं, और आप देखिए कि जो हाफिज सईद हो चाहे बाकी जो आतंकवादी हो, किस तरीके से उनको तकरीर करने से रोका जा रहा है, या फिर आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपना जो सेना का बजट है उसमें भी कमी लाने की कोशिश की, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर भी अगर आप देखें तो आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि उनके ऊपर आज वो ब्लैकलिस्ट में आने की स्थिति में खड़े हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो आज आप महंगाई देखें किस तरीके भुखमरी मची हुई है, तो पाकिस्तान को अपनी औकात और उसकी हैसियत समझ में आ गई है, और इसलिए पाकिस्तान आज गिड़गिड़ा रहा है बातचीत करने के लिए। लेकिन जब तक आतंकवादी ये हमले और जिस तरीके से जो सर ने बताया, ठीक है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है बात करने के लिए, गिड़गिड़ा रहा है। जयदेव शास्त्री जी, आपका मैं रुख करूंगी। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है बात करने के लिए, क्या ये माना जाए कि डरा हुआ है पाकिस्तान? वो जानता है सर्जिकल स्ट्राइक तो हो चुकी है, एयर स्ट्राइक हो चुकी है, अब डरा हुआ है तो इसी डर के चलते बातचीत करना चाहता है? ये ऐसा है ना, विदेश नीति, अभी आप कह रहे थे 4 आतंकवादी मर गए, तो डर गए, तो 4 आतंकवादी क्यों मर गए, कहां से आया था वो? ये सब बातचीत करने के लिए अच्छा है। टीवी डिबेट में एक विदेश नीति होती है, विदेश नीति किसी पार्टी का नहीं होती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक विदेश नीति एक ऐसी डॉक्ट्रिन है। ये नहीं रात की रात अब हम लोग लाहौर में चले जाएंगे, लाहौर में गले लग जाएंगे नवाज शरीफ के साथ। क्या नवाज शरीफ के साथ सेम इसी मंच में तो बात किया था आपने? बातचीत का कोई विकल्प नहीं है, बातचीत एक रास्ता है, वही एक रास्ता है। सर अभी आपका गले मिला तो उसके बाद नतीजा तो देखा हमने। नहीं सुन, गले नहीं, नतीजे सर सुन लीजिए, नतीजे से मतलब नहीं होता, पूरा बात तो सुन लीजिए, नतीजे से कोई बात नहीं, विकल्प नहीं है,
बातचीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं, चाहे कभी भी बातचीत हो जाए, बातचीत ही एक रास्ता है। इस रास्ता को जितना अपनाओगी, जितना हल जल्दी निकालोगे उतना ही अच्छा है। आप ये कह रहे हो वो लोग भीख मांग रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, अरे हम कौन सी है, हम लोग के इकोनॉमी में कितना आगे निकल गए, कहां 8.8 था, कहां 5% 5.6 था। पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या अपनी अपनी ये बात पीट पीट के कह देना भाई हम बहुत आगे हैं, इस तरीके से कोई बातचीत नहीं। वो आपकी नेवर है, आपके साथ एक समस्या है, उस समस्या का समाधान एक विदेश नीति, ऐसी विदेश नीति जिस तरीके से बातचीत का प्रस्ताव, नांदी प्रस्ताव हमारा तरफ से ही होता रहा और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी में होना चाहिए, विकल्प नहीं है उसका, समस्या का पूरा समाधान हमारा तरफ से, बातचीत के अलावा बातचीत हमारा तरफ से है, यही समाधान हमारा तरफ से है और इसी का फायदा उठाता है। इतना तक नियत नहीं पता, इतनी नीति नहीं पता, ये लोग कहते हैं कुछ भी बोल लेते हैं, बातचीत हमारी तरफ से होना है। बातचीत का पक्ष तब होता है जब पक्षकार अपनी बल तभी कहते हैं बातचीत का पक्ष पहला रखता है, ये अभी तक नहीं पता आपको। ठीक है, मैं इसके ऊपर जरूर आगे चर्चा करूंगी, लेकिन रोहित चहल जैसा जेवीआर शास्त्री कह रहे हैं जवाब दे दीजिए ना, बात करने में क्या दिक्कत है, आमने सामने बैठ करके जब वहां मुलाकात होगी तो सख्त लहजे में अपनी बात उनके सामने रख दीजिए, कह दीजिए कि भाई हमें क्या बोलेंगे, रोहित चहल से सर आपकी बात का जवाब ले रहे हो, आपकी बात का जवाब ले रहे हो। अरे आपके पाकिस्तानी मित्रों को अगर बातचीत नहीं करें इतनी तड़प क्यों हो रही है आपके अंदर, पाकिस्तान आप लोग आज देश के साथ सरकार के साथ मजबूत आप सरकार को दिखाने के प्रयास में लगे और कोई काम नहीं है आपके पास। अगले दिन सुबह अरे शास्त्री जी कहनी है एक बात, जरा सी मुल्क के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए कर्जदारों से जो सर आप, आता आप है पाकिस्तान की डिबेट के बीच में कम से कम भारत की इकोनॉमी को तो नहीं लाए तो अच्छा रहेगा। अभी पढ़े लिखे बैंक का प्रोजेक्ट, पढ़े लिखे आदमी है, जाहिलों जैसी बातें क्यों करते हैं, 5% बढ़ रही है, मुझे क्या बोल रहे हैं आप, मुझे निर्देश मत दीजिए। लेकिन आप जो आतंकवाद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें इकोनॉमी को लाने की क्या जरूरत है सर, उसके अंदर क्या होने वाला आर्थिक स्थिति भारत की। रोहित चहल साहब रुक जाओ, उसका कोई फायदा नहीं, शास्त्री जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हो, परस्त बात हमेशा करेंगे, किस तरीके से भारत सरकार को भारत को नीचा दिखाने की बात करी जाए और कोई इनका वो कारण नहीं है। ठीक है, हम भारत सरकार को ना नीचा दिखाने की बात करेंगे ना भारत को नीचा, सर टॉपिक मत चेंज करें, शास्त्री जी टॉपिक ना चेंज करें, शास्त्री जी टॉपिक ना चेंज करें, गवर्नर शास्त्री जी हमें चलाने होता है आपको पता ही नहीं लगा, आप लोग कह रहे हो हमारा निंदा कर, ठीक है हमें देशद्रोह कह दे तो ठीक है, हमें बेकार बोल दे तो आप खुद ही बेकार हो, दूसरों को बेकार बोल दो, पाकिस्तान का आर्थिक एडवाइजर बन जाइए, पाकिस्तान के लिए बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, आप अपने लोगों को बैठ करके बेकार खड़ा भारत के लिए बोल रहे हैं, हंसने का मौका देते हैं आप, लोगों को हंसने का मौका देते हैं शास्त्री जी, हमारा देश है गलत बात नहीं है, आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप लोगों को काम करने का तरीका नहीं पता, रात की रात लाहौर में उतरो गले लग जाओ, को आप जैसे लोगों की जरूरत है, आर्थिक एडवाइजर बन जाइए, अरे उनकी अर्थव्यवस्था गर्द में जा रही है, आपकी सरकार का नियत बताओ, आपकी नियत बताओ, आपकी विदेश नीति बताओ, हमारी तो नीति आपकी विदेश नीति है, आप हमारे पास है, साल पिछले राहुल गांधी का क्या सुना, अभी इस साल आपने प्रोफेसर मिस्टर जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर को लिया, क्या मतलब है, क्या सीधा सुषमा स्वराज का जो एफर्ट था, जो राजनीतिक एफर्ट थी विदेश नीति के ऊपर वो गलत था, गलत स्थापित हुआ क्या, क्योंकि आपको एक ऑफिसर को जिसको एक्सपर्ट माना जाता है उसको आपको विदेश नीति क्यों लाया गया, क्या पानी रोका स्वराज आपको आप जैसे नहीं करता आपने विदेश नीति फेल थी, हल निकल जाएगा इस बात से शास्त्री जो पाते आपका है और गाते पाकिस्तान का है, अपने देश से गद्दारी और दुश्मन देश से यारी, ये है इनके से लोगों की असलियत, सुनिए तो शास्त्री जी, भारत को कोई नीचे नहीं कर रहा है, संसार में जरूरी होता है, सरकार में जरूरी होता है, ये यहाँ तक नहीं पता इनको, प्रश्न करना अपना शालिनी 10 सेकंड लीजिए, देखिए मंत्री परिषद में कौन होगा, ये प्रधानमंत्री का शुद्ध विशेषाधिकार होता है, 1991 एक मिनट एक मिनट एक मिनट
पहले अरे बाहर से नहीं भाई, हमारे साल पहले से अरे भाई आप सुनिए, सुनिए सुषमा स्वराज जी 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो सरदार मनमोहन सिंह को विदेश मंत्री बनाया गया ना, वित्त मंत्री बनाया गया, सुनिए सुनिए, वित्त मंत्री बनाया गया माउंटेन, आप वही आपका सवाल, आपका ही सवाल का जवाब लैटरल एंट्री सवाल आ रहा है, जवाब आप कह रहे आप सुनना नहीं चाहते, पिछली पांच साल के अंदर जो सुषमा स्वराज जी ने बहुत अच्छा काम किया हम तारीफ करते हैं, तो जो कह रहे हैं लेकिन सुषमा स्वराज जी खुद हट गए, आपको पता उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सुषमा स्वराज जी ने खुद कहा मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते, आप सुनिए क्यों जाना पड़ा, अरे लाहौर रात की रात क्यों उतरना पड़ा, आप सर यहाँ से बैठ के तो आप भी विदेश नीति पर आ सकते हैं ना, जो आप कहेंगे वैसा भी नहीं चल सकता है कि आप सीधे जाए कि आप सीधे जजमेंट दे दें सुषमा स्वराज की नीति खराब है, विदेश मंत्री खराब है, आप शांत रहेंगे तो बात, मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री बनाएगा उसके साथ एक नॉन आईएएस माउंटेक सिंह अहलूवालिया को वित्त सचिव बनाया गया, लैटरल एंट्री होती है हमारे देश में प्रतिभा, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार उनको ले आके सरकार को अच्छी तरह चलाए, दूसरे पहली बात जो आप बार बार कह रहे हैं नवाज शरीफ से जो प्रधानमंत्री मिलने गए थे, ये आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हम ये कह सकते हैं, जैसे लाहौर बस यात्रा हुई थी वाजपेयी जी के दौरान, नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, वो पाकिस्तान को मौका देना चाहते, पाकिस्तान नहीं सुधरना चाहता तब उसके साथ वो जिस स्तर पर बात करना चाहता भारत उसी स्तर पर बात करेगा, आप आतंकवाद देंगे तो आपको हमारी तरफ से उसका माकूल जवाब मिलेगा जी, दिनेश जी के पास नहीं तो उसकी बात होगी ना, सर जी आप सुनिए, आप सुनिए, चार आदमी मर गए शालिनी सुनिए, शालिनी सुनिए, शालिनी सुनिए, आपको पता ही नहीं लगा शास्त्री जी आपको नहीं पता, ये दो चार उंगली क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता, कौन सी उंगली की क्या लगाई, वही बात ऐसी बात आपके पास है वो परिज्ञान नहीं था, जिसके पास परिज्ञान थे उसके ज्ञान नहीं था, भारत में जगह नहीं मिलेगी, शास्त्री डॉक्टर शास्त्री जी मेरा ये मानना है शालिनी कि सांकेतिक तौर पर पाकिस्तान को संकेत और संदेश के जरिए भारत ये कोशिश कर रहा है, वो भी एक दौर था ये भी एक दौर है, 2014 में आपने उन्हें बुलाया, इस बार नहीं बुला के अपमानित किया, नहीं बुलाए चलिए ठीक है, ये आपकी कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन कोई देश कोई पड़ोसी अगर लतखोर हो जाए तो पहले बात मुलाकात और लात, आपने ये तीनों भी कर लिया, आपने बालाकोट कर ये बता दिया कि हमने बातें और मुलाकातें की लेकिन अब जरूरत लात की थी तो आपने लात भी दे दी, अब क्या बचता है, आज मैं सवेरे एक अखबार में पढ़ रहा था प्रमोद जी डॉक्टर शास्त्री, उसमें हमारे विदेश मंत्री का एक बयान है कि हम पड़ोसियों से चाहते हैं कि इतने सौहार्द और बेहतर रिश्ते हों कि हमें लगे कि हम आस पड़ोस में एक दूसरे के रिश्तेदार जैसे हैं, ये तब हो सकता है जब आप एक को अलग अलग कर और बाकियों को गले लगाएं तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना एक्सपोर्ट करना आतंकियों का एक्सपोर्ट करना रोकेगा, वो इस तरह की हरकतें करेगा क्योंकि वो लतखोर है, तो अब करना क्या चाहिए, यहां इस शिखर सम्मेलन में जो हो रहा है उसमें आप देखिएगा प्रमोद जी कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं, सांकेतिक तौर पर ये कह दिया गया कि मुझे जानकारी नहीं कि प्रधानमंत्री जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन कूटनीतिक तौर पर ऐसा हो नहीं सकता कि इमरान खान खुद होकर मुखातिब ना हो, अगर ऐसा होगा क्योंकि इमरान खान ने विंग कमांडर अभिमन्यु को छोड़कर, ये मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है मनीष जी, मैं दोबारा आपके पास जरूर आऊंगी, और ये चीज भी अभी तक की बहस में तो सामने आई रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है, चाहे बात में मुलाकात में लात में हर तरह से कुछ तो कमी रह गई है, तभी हर रोज आतंकी भारत में घुस रहा है, हर रोज उनका खात्मा भी हो रहा है और अभी तक हमारे सैनिक भी मारे जा रहे हैं, तो हल क्या है इसका चर्चा होगी इसके ऊपर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान की बात नहीं होगी, कहा यह जा रहा है कि सांकेतिक तौर पर हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद खत्म नहीं करेगा, उसके रास्ते से हटेगा नहीं। दिनेश जी आपका मैं रुख करूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट दिनेश जी मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि किस तरह से पिछले काफी वक्त से हमने पाकिस्तान से बात नहीं किया, पुलवामा के बाद से बात नहीं हो रही है, पठानकोट के बाद से पाकिस्तान ये चाहता था कि उसके साथ बातचीत हो, फिर भी हमने इनकार कर दिया, बावजूद इसके हर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकी मारे जा रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, रमजान जैसे पाक महीने में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान,
तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, हमें और ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा और कुछ दूसरा तोड़ निकालना पड़ेगा पाकिस्तान का? शालिनी देखिए, 1947 हो चाहे 1965, 1971 हो चाहे कारगिल का युद्ध, उसके बाद में इतने आतंकी हमले, इतनी बार इनके साथ में लड़ाई झगड़े, आपको लगता है कि ये लोग कभी बातचीत से सुधरने वाले हैं? जिस देश को लगातार 2001 से लेकर आज तक अमेरिका फंड देकर के खिलाता पिलाता है और जिंदा रखा हो, उस देश के साथ में क्या किया इन लोगों ने? अमेरिका आया था अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को और अलकायदा से लड़ने के लिए, जो घुस गए पाकिस्तान में, वहां पर जाकर के इनका पाकिस्तान तालिबान बन गया और प्रॉपरली पाकिस्तान जो है अमेरिका के खिलाफ लड़ता रहा। देखिए, मैं 14 फरवरी के किस्से के बाद जब पुलवामा का अटैक हुआ, मैंने बार बार चैनल्स पे ये बोला है, ये एक सांप है, आपने इसकी पूंछ के ऊपर पैर रख दिया। अभी कूटनीतिक तरीके से बड़े अच्छे तरीके से पिछली सरकार ने और अब भी पूरे विश्व को साथ लेके इसके फन को दबा रखा है। अभी हमें इसके फन को कुचलने की जरूरत है। बालाकोट के अटैक के बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान डर गया था? नहीं डरा था, 24 जहाज लेकर के 50 किलोमीटर आपके क्षेत्र में घुसा था और कहा था आ जाओ लड़ना है। तो वो तो अभिनंदन का जहाज जो है, उसने एक जहाज उड़ा दिया पाकिस्तान का और अभिनंदन को लेने की बातचीत में मामला दूसरे डायरेक्शन में चला गया। वरना अगर देखा जाए रक्षा के हिसाब से तो हिंदुस्तान के सारे जहाज पाकिस्तान में घुस जाने चाहिए थे। ये जो अभी बोला हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी या गवर्नमेंट ने जो बिम्सटेक को लोगों को बुलाया और इनको नहीं बुलाया, देखिए इसके पीछे एक कारण है, इस सांप को छोड़ना नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका इंटरव्यू उन्होंने अभी इनका वो लेना है, सर्वे करना है पाकिस्तान का कि क्या ये फंडिंग कर रहे हैं अपने टेररिस्ट को, क्या ये लोग टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और इनको अगर ये ग्रे लिस्ट हो गए या ब्लैक लिस्ट हो गए तो जाकर के आने वाले टाइम पे ये घुटनों पे टिकेंगे, ये भिखारी बन चुके हैं अभी तक। टाइम कब आएगा? तीसरा देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखो तो एक्शन आर ये बातें हम छोड़ दें, लगातार देख रहे हैं जवान भी शहीद हो ही रहे हैं, आतंकवादी भी घुस रहे हैं। शालिनी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, चारा कैसे? मुझे अगर मैं कंप्लीट कर सकूं तो मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, कंप्लीट कर सकूं तो उसी पे आ रहा हूं। देखिए, इन लोगों ने आपको दो चीज दिखाई, उन्होंने एक चीज दिखाई कि देखो हमने हाफिज सईद को मना कर दिया। अरे क्या मना कर दिया? हाफिज सईद को 2009 में याद है उसी गद्दाफी स्टेडियम से श्रीलंका की टीम पे किसने अटैक किया था, जहां पे ये लोग ये हर ईद के अंदर जाकर के भाषण देता है। अभी इसने जाके अपने गांव के पास में भाषण दे दिए, कल तक आपके सामने आ जाएगा। हाफिज सईद पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, दिखावा है। हाफिज सईद को तो दुनिया ने टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, उसने लश्करे तैयबा, उसके बाद फलाए इंसान, अभी स्टार्ट कर दिया उसने एक और क्या नाम है जमाते जेएनके का इंडिपेंडेंस के बारे में एक और ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया। अब आ जाइए, अमेरिका की सेना जो है कटौती कर रही है, किसने बोला कटौती कर रही है? आप देखिए उनके जनरल गफूर ने क्या बोला परसों, ये बोला उसके स्टेटमेंट के बाद में इमरान खान के हम कोशिश कर रहे तीनों सेनाएं मिलके कि बगैर सेनाओं को कोई नुकसान किए कैसे पैसा बचा सकते हैं। 9000 लाख करोड़ रुपया का व्यवसाय इस देश के अंदर पूर्व सैनिक चलाते हैं। और आपको क्या शालिन जी, क्या अगर ऐसा हो जाए कि चीन जो है इनको जो है पीछे से सब्जो सामान पूरा रक्षा का देता रहे और बोला बाद में पैसे दे देना, उनका दोस्त है, तो क्या हम रोक लेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है इसके फन को दबा के रखो और अपने आप मारने के बजाय कर्नल दिनेश ये बताइए किया क्या जाना चाहिए? अभी ये किया जाना चाहिए, मैं बताना चाहता हूं कि खुद इसको मारने के बजाय कूटनीतिक तरीके से पूरे विश्व को इसके पीछे लगा के इसको हमेशा के लिए कुचल दो। यानी बात नहीं करना, ये आपको सही दिखाई देता है। हमेशा सरकार यही कर रही है, तभी इनको मौका नहीं दे रही, चाहे वो एससी हो और चाहे वो आपका सर्वनीय। नहीं, बात नहीं करना पाकिस्तान से किसी भी मंच पर, ये सही दिखाई दे रहा है आपको? देखिए शालिनी जी, मैं एक बात बोलना चाहूं। जी बताइए, हमने कितनी बार इनके ऊपर अटैक कर लिया, कितनी बार इन पे एक्शन ले लिया। आज भी कश्मीर के अंदर
150 लोगों को हम मार चुके हैं और 286 टेररिस्ट घूम रहे हैं। सरकार ने 10 लोगों की अभी लिस्ट सामने लेके आए हैं, 6 एचएम के, 1 लश्कर तैयबा का, 1 अलबदर का, 2 जैश मोहम्मद के कमांडर्स, 10 कमांडर घूम रहे हैं पुलवामा में, आपके श्रीनगर के अंदर, आपके उड़ी के अंदर। आप ये बताइएगा, ये देश किस तरीके से आप कह सकते हो बातचीत करने के लायक है? मैंने कहा ना, अमेरिका का पैसा खा करके उनके नहीं हुए तो आपकी मीठी बातें क्या समझेंगे। बिल्कुल रोहित जी, इसका जवाब भी आप दे दें, क्योंकि ये सब तो देखिए दिखावा है, पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं, बातचीत करके हमने देख ली, लेकिन बिना बातचीत किए भी हल कहां निकल रहा है? स्थिति तो जस की तस दिखाई दे रही है। मुझे ये बताएं, क्या हम ये मान करके चले कि पाकिस्तान ये जानता है कि लड़के तो हमसे जीत नहीं सकते हैं, उनकी इकोनॉमी भी हमसे ज्यादा अच्छी नहीं है, और तमाम चीजों की अगर हम बात कर ले, चाहे वो सेना हो, चाहे वो परमाणु बम हो, हर लिहाज से वो जानता है कि हमसे अगर टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, और इसीलिए आतंकवाद का वो रास्ता ले रहा है। उसको लग रहा है ये सस्ते तरीके से भारत को परेशान करने की रणनीति है उसकी। किससे सवाल पूछा था रोहित जी? यह गंदी चाल जो है वो चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर ने बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान को। जी आवाज आ रही है शालिनी जी आपको? हाँ हाँ बिल्कुल बताएं। समझ नहीं आ रहे जी। देखिए शालिनी जी, पाकिस्तान अपनी गंदी राजनीति जो चाल चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि पाकिस्तान को अलग थलग, जिस तरीके से हमने कहा, बिल्कुल सर ने सही कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो आज पाकिस्तान उसके अंदर ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी सर वहां पर है, वो कैसे ब्लैक लिस्ट में आए और पाकिस्तान जल्दी उसके अंदर ब्लैक लिस्ट के अंदर आने वाला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, जिस तरीके से अगर आप देखें पाकिस्तान को, अगर कूटनीतिक स्तर पर भी देखें, सारे देश आज पाकिस्तान को पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान को एक पूरे विश्व के अंदर अलग थलग करने का काम आज सरकार लगी है, और साथ साथ सेना के स्तर पर भी जिस तरीके से उसको जवाब देने का काम है, तो पाकिस्तान के बिल्कुल जो फन है उसको कुचलने का काम करना चाहिए, और सरकार उसमें लगी हुई है। हमें लगता है कि आप देखेंगे इसके आगे। जी ठीक है शास्त्री जी, आप मुझे ये बताएं, आप अरे अरे भैया शास्त्री जी काम कीजिए ना आप, एक मिनट शालिनी जी इनको आप आर्थिक एडवाइजर क्यों नहीं बन जाते? पाकिस्तान तो आज कुटवा पड़ा है, आप जैसे अर्थशास्त्री जो है वो क्यों नहीं पाकिस्तान के आप एडवाइजर बन जाते? आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है पाकिस्तान के बारे में? आपको दर्द होता है कांग्रेस के अंदर चाइनीज नूडल खाने गए थे अपने घर के अंदर, पूछे बताइए जरा देश को अपने घर के अंदर जान। अरे बड़ा दर्द होता है पाकिस्तान के बारे में, होता है। आपने तीन कमेटी बनाया, तीन कमेटी किसने बनाया आपको नहीं पता? यहाँ बैठे आप हमें मौका है, सलामत देना आपने और पूरे पाकिस्तान का जाना है, सीमित रखो, वो मैक्सिमम है, ऑप्टिमम नहीं है, वो कभी ऑप्टिमम बन ही नहीं सकती, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप मेरे जैसे आदमी के लिए बोलने की हिम्मत भी नहीं रखना। आप अपने जो कहना है कांग्रेस पार्टी को, किसी और को व्यक्तिगत रूप में शुरू कर दिया। पाकिस्तान की बात आती है तो देश को मजबूती से, अरे देश की हम पाकिस्तान की बात कहां कर रहे हैं? तकलीफ होती हमने है। तो कुछ बोला नहीं, आपने जो कहा था, आपने ये कहा था सारा देश संबंध तोड़ रहा है, ऐसा कौन सी देश है जो संबंध तोड़ रहा है? हमें बताओ, अपने आकाओं से पूछ लीजिए कि अगर आप चाइना के साथ कर रहे हैं तो बातचीत पात्र से की जाती है सर, बातचीत पात्र व्यक्ति से की जाती है ना? चाइनीज नूडल अगर कोई शख्स लायक ही नहीं है कि उससे बातचीत की जाए, तो आप उससे भी बात करेंगे? बातचीत करना नहीं करना ये मसला नहीं, बातचीत ही एक ऐसा विकल्प है और कोई विकल्प है ही नहीं। अगर एक ही विकल्प आपको दिखाई दे रहा है शास्त्री जी, अगर एक ही विकल्प है और पाकिस्तान जानता है कि आप हमेशा उससे बात करेंगे, आपकी बात वो भी जानता है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि एक ही विकल्प है, तो मतलब दूसरा रास्ता है ही नहीं, वो भी इस चीज को जानता है, तो वो बार बार ये काम करेगा। एक चीज शालिनी इस पहली बहस में जो दिखाई दे रही है मुझे, वो ये, डॉक्टर साहब बुरा मत मानिएगा, अगर पाकिस्तान में ये बहस देखी जा रही है तो आज उनको बड़ा सुकून मिल रहा होगा कि उनके पक्ष की भी बात करने वाले एक डॉक्टर शास्त्री। मैं किसी की पक्ष नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिए, नहीं गलत है, ये गलत है, इसी बात को मैं गलत समझा रहा हूँ। बात सुनो, घर में भी कोई बात होती है, रोहित एक मिनट रुक जाओ, मेरे को बोलने दो,
अरे दो मिनट रुक जाओ, अभी तक आपने बोला। रोहित शांत रहिए, डॉक्टर को सुनिए। लोग जो आज भी पाकिस्तान परस्तवाद, रोहित दो मिनट धीरज रखिए आप। नहीं परगा, मैं पाकिस्तान गए तेल लेने, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं कहने का मतलब ये है, समाज के अंदर, संसार के अंदर कहीं पे भी कुछ भी समस्या आती है, सिर्फ वार्तालाप ही है, बातचीत ही एक ऐसा विकल्प है। हम अपनी समाज में करते हैं ये बातचीत, हम हर जगह पे बातचीत नहीं करते हैं। करते हैं ना सर, दुश्मन से थोड़ी करते हैं, अपने घर में करते हैं। घर में लड़ाई हो गई, बात होती है, फिर बाद में लड़ाई हो गई। हम अपने विदेश नीति बताइए ना, हमारा बातचीत है ही नहीं। विदेश नीति बताइए, पूरा देश को समझा दीजिए, हर मुंह पे। अरे विदेश रिलेशन, पब्लिक रिलेशन, सारा रिलेशन बंद करिए, देश को दर्शा मार्गदर्शन करिए, दिशा मार्गदर्शन करिए, सारा रिलेशन बंद करिए, कल्चरल रिलेशन बंद करिए, राहुल जी से पूछिए, कल्चरल रिलेशन बंद करिए, पब्लिक रिलेशन बंद करिए, दोनों तरफ अपनी एम्बेसीज बंद करिए, सारा रिलेशन बंद करिए। अरे वो यही तो था, आधा हम करेंगे, आधा आप कर दीजिए, ट्रेड रहेगी, काम रहेंगे, लेकिन बातचीत नहीं रहेंगे। ये सवाल हो गए थे राहुल गांधी मिलने, क्या सुन लो, नेबर को नहीं बदल सकते हो। बातचीत ही एक ऐसा विकल्प है, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, बातचीत ही विकल्प है, विकल्प नहीं होता है। आप ये कह ही नहीं सकते हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना है मेरे हिसाब से जिसका एक ही विकल्प हो, दूसरे तरीके से काम किया ना जा सके। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट से ट्रंप को बात करना पड़ा, ट्रंप को अमेरिका व्हाइट सौदा छोड़ के सिंगापुर आना पड़ा, और सिंगापुर आके बातचीत ही किया था। शास्त्री जी चिल्ला के आप अपनी बात साबित नहीं कर पाएंगे सर, चिल्ला के अपनी बात आप साबित नहीं कर पाएंगे, ये आपका मानना होगा, लेकिन थोपने की कोशिश मत करिए। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। प्रमोद जी देखिए, प्रोफेसर शास्त्री, अभी जो ये कि भारत पाकिस्तान में कोई बातचीत होगी बिश्केक में, किर्गिज रिपब्लिक की राजधानी में भी जो संघाई कोऑपरेशन देशों की मीटिंग होने वाली है, उसमें शुरुआती अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के जो विदेश सचिव हैं सोहेल महमूद, वो अभी हमारे यहाँ उनके हाई कमिश्नर भी थे पाकिस्तान में, वो एक प्राइवेट विजिट पे आए थे। तो ये उससे ये लगा कि भारत पाकिस्तान भारत में से बातचीत करने के, इसलिए सोहेल महमूद को अपने विदेश सचिव को भेजा है रास्ता बनाने के लिए। लेकिन उसमें भी सीधे सीधे बात साफ हो गई, सोहेल महमूद चूंकि यहाँ पे हाई कमिश्नर थे, उनके बच्चे अभी यही रहते हैं, तो उनको लेने के लिए आए थे, उनकी निजी यात्रा थी। दूसरी बात, जब भी प्रोफेसर शास्त्री बार बार से बातचीत किससे की जाए, क्या हमें पता नहीं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टोटल उनकी सेना कंट्रोल करती है? जिस देश की स्टेट पॉलिसी आतंकवाद हो, टेररिज्म हो, जहां पे सेना का दखल हो, और सबको पता है कि सेना के ने इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद पे बैठाया हुआ है, सेना जब तक नहीं चाहेगी कुछ नहीं होगा। अगर हम नेहरू जी ने बोला कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन की थी, तो नेहरू जी ने बोला था आई हैव बॉट पीस, क्या हुआ 65 में पाकिस्तान ने हमारे पर हमला नहीं किया था? वाजपेयी जी गए लाहौर तो क्या करगिल नहीं हुआ? आप देखेंगे उसके बाद जब तो खुद अपने आप से उसके बाद जब उसके ठीक बाद करगिल के युद्ध के बाद जब स्थिति सामान्य हो गई, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री वाजपेयी काठमांडू में थे साक सम्मेलन में, प्रधानमंत्री वाजपेयी ने मुशर्रफ की तरफ देखा नहीं। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी का भाषण खत्म हुआ, तो मुशर्रफ जो आगे की सीट में थे उठे जाके वाजपेयी से हाथ मिलाया और बोला मैं भारत से यही कह रहा हूँ। प्रमोद जी, हम जो चर्चा कर रहे थे शालिनी, यही बात थी कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही ना मिले, लेकिन मेरा ये मानना है कि इमरान खान खुद होके मुखातिब होंगे, तो झुकेंगे वो ना, बात घुटने, ये संदेश तो जाएगा ना कि वो आए बात करने। शालिनी, घुटने पर तो पाकिस्तान को ला लिया गया है, लेकिन अभी सांकेतिक तौर पर अगर हम ये कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, तो वो स्पष्ट तौर पर हम नहीं सुधरेंगे, इस तरह की बात भी दिखाई देती है। देखिए, पिछले महीने में पाकिस्तान के विदेश सचिव और विदेश मंत्री कुरैशी साहब थे, और सुषमा स्वराज जी भी थी बिश्केक। लेकिन शालिनी, वो आके उन्होंने जबरदस्ती उनके बगल में बैठ के फोटो हो गई, बोला कि भारत के और दोनों के विदेश मंत्री मिले, ऐसा नहीं था। ये पाकिस्तान चाहता कि दुनिया को दिखाए कि हम तो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। ऐसी तस्वीर फिर से सामने आया जैसा मनीष जी कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये तो स्पष्ट हो जाएगा कि हम नहीं गए थे बात करने, उन्हें जरूरत है, क्योंकि वो इस वक्त जैसा मनीष जी ने कहा कि घुटने पर तो हमने उन्हें ला ही दिया है, तो अब उनकी मजबूरी हो गई। बताएं दिनेश जी क्या कह रहे हैं।
शालिनी जी, मैं सभी प्रवक्ताओं से ना निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि इसके अलावा जो आसपास हमारी सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ रही है देश के, उसको भी ध्यान देके देखें। अफगानिस्तान के अंदर जो आपका नंगरहार एरिया है, जो आपके बलूचिस्तान के बिल्कुल साथ में पड़ता है अफगानिस्तान का, वहां पे आईएसआईएस आके बैठ चुकी है। अमेरिका ने बहुत कोशिश किया उसके अंदर लड़ाई करके उसको खत्म करने का, नहीं खत्म कर पा रहे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुर्रासन के नाम से एक जो बनाया गया अफगानिस्तान में आईएसआईएस द्वारा, वो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और इंडोनेशिया के लिए है। और इसके अंदर जो ये जो खुर्रासन के जो स्टेट का ये जो संगठन है, इसका मालूम है शालिनी किसको बनाया गया है? सर्वे सर्वा हेड हाफिज सईद को। तो शास्त्री जी को मैं निवेदन करूंगा, जाके हाफिज सईद से एक बार बात करके देखें और देखें कि श्रीलंका में क्या हुआ, देखें कि अभी जमातुल मुसलमीन जो बैठा है बांग्लादेश में अटैक करने की सोच रहा है हिंदुस्तान में आईएसआईएस का, उसका क्या करेंगे? अरे गंभीरता से लीजिए चीजों को, ये देश की सुरक्षा का मामला है। और मैं एक एडवाइस और करूंगा, देखिए चुनौतियां आपके सामने है और पाकिस्तान की जब बात हो ही रही है, आप देखिए बात उससे भले नहीं कर रहे हैं लेकिन ढीठ हो चुका है पाकिस्तान। आप कुछ भी कर लीजिए, आतंकवाद को वो नहीं छोड़ने वाला है। कई बार उसने ये चीज दर्शा भी दिया आपको, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के अगर आप अभी तक भी गिन लेना तो बहुत से आतंकवादी आपने मारे भी है। बावजूद उसके आज की घटना है कि 2-3 आतंकवादी अभी भी खोजे जा रहे हैं घाटी के अंदर और 4 आतंकवादियों को खत्म किया गया है। तो अब एक ढीठ आदमी को आपको ठीक करना है, एक ढीठ देश को ठीक करना है, और जो ढीठ हो जाता है ना उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल शालिनी जी, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, और जो सर ने भी बात बोली वो बिल्कुल सही बोली है। जिस तरीके के हालात हैं, आज बातचीत से हल नहीं निकलने वाला है। बातचीत हम हमेशा से प्रयासरत रहे हैं, हम हमेशा रहेंगे भी प्रयासरत रहेंगे कि बातचीत हो, अपने पड़ोसी संबंध अच्छे रहे। लेकिन एक और बात है, जब पड़ोसी की जो कुत्ते की दुम होती है ना, वो आप उसको 100 साल भी बोतल के अंदर रख देंगे वो सीधी नहीं होने वाली, उसको जितनी भी कोशिश कर ले। तो मुझे लगता है कि आज मिलकर उस दुम को या तो काट देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है आज बिल्कुल मनीष जी ने कहा कि आज वो घुटनों के बल तो पाकिस्तान आ चुका है, आप निश्चिंत रहिए जल्दी उसका इलाज भी निकले। और पाकिस्तान की जो हालत है आज, उसको आर्थिक रूप से, कूटनीतिक रूप से और सेना के रूप में तीनों तरीके से आज पाकिस्तान को अगर जवाब दिया जाएगा, और आप निश्चिंत रहिए आने वाले समय में इसके परिणाम जरूर दिखाई देंगे। मनीष जी, क्लोजिंग कॉमेंट आपसे मैं लूंगी, भीख मांगने की नौबत तो आ चुकी है पाकिस्तान की, बावजूद इसके बास तो नहीं आ रहा। देखिए, तमाम भारत की कोशिशें रही हैं कि इस राह में कई दिए और चिराग जलाए जाएं, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे कि बादशाह पाकिस्तान इसको बरकरार रखे हुए। मुझे ऐसा लगता है कि इस सांप का फन कुचलना अब लाजमी हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि ये बात भी सच है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी की हरकतों से जो हमको आए दिन जो आतंकवादी हमले होते रहे, हम 3-4 लड़ाई लड़ चुके हैं और अभी भी युद्ध के हालात हैं। तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए उसके फन को कुचलने के अलावा और कोई चारा नहीं, ताकि हमारे पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश। कैसे कुचला जाए 10 सेकंड के अंदर? शालिनी जी देखिए, मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगा, ये पाकिस्तान जो देश है ना, ये सेना देश के लिए नहीं है, पाकिस्तान की सेना का पाकिस्तान देश सेना के लिए है। और ये जो सेना है ना, ये कट्टरपंथी हो चुकी है। अगर याद है आपको, जब इनसे पूछा गया था कि हाफिज सईद को और मोहम्मद अजहर को सबको पकड़ लिया जाएगा तो जो काट रहे इसका क्या होगा, जो उन्होंने ट्रेन किए हैं, बोला पैरामिलिट्री फोर्स में ले लेंगे। जिस देश के अंदर ये सोच हो कि उग्रवादियों को, टेररिस्ट को सेना की फोर्स में लेना है, तो वहां 40% कट्टर लोग हैं, वो अपने देश की चिंता नहीं है, अपने नागरिकों की चिंता नहीं है, वो सिर्फ एक कट्टर सैनिक संगठन बन चुका है। और मैं समझता हूँ का महीना जिसे सबसे पाक मानते हैं, उसमें उन्होंने आतंकवादी घटना को अंजाम देने से रोका नहीं, आतंकियों को रोका नहीं, खुद उनके नाम में जो पाक लगा हुआ है उसके साथ भी अब वो गद्दारी कर रहे हैं, नापाक हरकत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का पहली बहस में शामिल होने के लिए। और इस वक्त